नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। और मुद्दा में आज बात समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को लेकर हुए पूरे हंगामे की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के वार्षिकोत्सव में शिरकत करने के लिए जा रहे थे, जिन्हें लखनऊ एयरपोर्ट पर रोका गया। उनको समाजवादी छात्र सभा ने कार्यक्रम का मुख्य अतिथि बनाया था, लेकिन यूनिवर्सिटी ने उनके कार्यक्रम पर रोक लगा दी, जिसके बाद अखिलेश यादव ने सीएम योगी और सूबे की सरकार पर सिलसिलेवार कई हमले किए। इतना ही नहीं, बसपा सुप्रीमो ने भी अपना गठबंधन धर्म निभाते हुए यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का समर्थन किया और ट्विटर पर मायावती ने बीजेपी को अलोकतांत्रिक पार्टी बता डाला। वहीं दूसरी तरफ न सिर्फ प्रयागराज में बल्कि प्रदेश के कई इलाकों में सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और प्रदर्शन भी किया है। साथ ही पुलिस ने भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रहे सपा कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां भांजी हैं। कहीं सपा कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए तो कहीं आगजनी हुई, कहीं गमले तोड़े गए तो कहीं बीजेपी के पोस्टर फाड़े गए। अब इसके बाद सवाल ये उठता है कि विरोध प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन है क्या, और आखिरकार इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना समाजवादी छात्र सभा में अखिलेश यादव क्यों जा रहे थे? सियासी फायदे के लिए शिक्षण संस्थानों का इस्तेमाल कितना जायज है, यह बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। तो पहले आपको दिखाते हैं प्रयागराज में सपा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की कुछ अलग अलग तस्वीरों को। तो तस्वीरें आप देख लें, आज किस तरीके से हंगामा इस पूरे मसले पर बरसा है, उन तस्वीरों को आप देखते चलें। एक तरफ आप देखें कि कैसे पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी और उसके बाद ये विरोध प्रदर्शन कैसे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में उग्र होता हुआ नजर आया है। और खासतौर से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो वहां पर जो लाठियां चली उसमें तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं उसमें आप देखिए कि कैसे पुलिस वालों को भी जो कार्यकर्ता हैं वो पीटते हुए नजर आए हैं। इसके बाद आप दूसरी तस्वीर देखें कि कैसे जगह जगह पर जो गमले प्रयागराज में लगाए गए हैं कुंभ के मद्देनजर उनको तोड़ा गया, पोस्टर कैसे फाड़े गए इनको भी आप देख सकते हैं, और आगजनी की भी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये चार अलग अलग तस्वीरें, लेकिन इन तस्वीरों को देख के आप अंदाजा लगाइए कि आज दरअसल जब अखिलेश यादव को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नहीं जाने दिया गया तो उसके बाद ये मामला किस प्रकार से गरमाया और कैसे इस पर जो विरोध है वो देखने को मिला है। तो वहीं पुलिस की लाठीचार्ज में कई सपा के कार्यकर्ता भी घायल हो गए, साथ ही सपा सांसद धर्मेंद्र यादव को भी सिर में चोट लगी। तो ये भी तस्वीरें आप देख लें कि कैसे धर्मेंद्र यादव को लाठी चार्ज के दौरान जो चोट लगी है उसकी भी तस्वीर आप देखें। प्रयागराज में आज ये विरोध हो रहा था, उस दौरान जब पुलिस ने लाठियां भांजी हैं तो समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद इनको किस प्रकार से यहां पर जो चोट आई है उनकी भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। आप देख रहे थे हम लोग लाल पदमदर जी की पीछे चुप रहो शहादत को नमन करके, राष्ट्रपिता बापू जो अहिंसा के पुजारी हैं उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किए, हमने ऊपर से नारे दिए अहिंसा के पुजारी अमर रहे। हमने अपने साथियों को कहा कि शांतिपूर्ण बापू जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करके हम अपना कार्यक्रम खत्म करेंगे, लेकिन ये योगी और मोदी की सरकार इसको बर्दाश्त नहीं हुआ। ये छात्रों नौजवानों का आंदोलन, ये छात्रों नौजवानों का प्रेम समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति, इन मोदी को बर्दाश्त नहीं, योगी को बर्दाश्त नहीं, और ये सोच रहे हैं कि हम पुलिस की लाठियों की दम पर अपने नौजवानों को झुका देंगे तो हमारे समाजवादी नौजवान सड़कों पर खून बहा देंगे, लेकिन गोली खा लेंगे, लेकिन अहिंसा के रास्ते पर चल के माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों को, समाजवादी पार्टी की नीतियों को, कार्यक्रमों को देश और दुनिया तक पहुंचा। तो अखिलेश यादव ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के कार्यक्रम में जाने से रोकने पर प्रदेश पर जम का निशाना साधा। उन्होंने सीधे सीधे योगी सरकार के नियत साफ नहीं होने के आरोप लगाए, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा
कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कहने पर ही अखिलेश यादव को रोका गया था, क्योंकि अखिलेश यादव अगर वहां आते हैं तो जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़ सकती थी। मुझे इस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच में अपनी बात रखनी थी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों और छात्र संघ के अध्यक्ष जो अभी हाल में ही चुने गए थे उदय यादव, उनके कार्यक्रम में मुझे शामिल होना था। छात्रों ने बहुत तैयारी की थी और कई दिनों से लगातार तैयारी कर करके उस कार्यक्रम में शामिल होकर के और हमें भी मौका मिलता अपनी बात रखने का, लेकिन सरकार का मन साफ नहीं रहा, सरकार की नीयत साफ नहीं रही। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलाहाबाद का यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम मैंने बहुत महीनों पहले भेज दिया था, भेजा गया था, जिससे कि वहां अगर किसी को नाराजगी हो, प्रशासन को कोई तैयारी करनी हो, क्योंकि कुंभ का आयोजन था, छात्र संघ के अध्यक्ष खुद वहां के प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर के यूनिवर्सिटी के तमाम अधिकारियों से और वाइस चांसलर से भी मिलकर के उन्होंने बातचीत की, और उन्होंने जब मुझे तारीख दी तो इसीलिए जानबूझ करके पहले कार्यक्रम भेज दिया, जिससे कि अगर कोई शिकायत होगी, अगर कार्यक्रम नहीं हो सकता है तो उसकी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद पूरा डिटेल प्रोग्राम जो था वो 2 तारीख को भेज दिया गया था। इलाहाबाद का चुनाव हुआ, संपन्न हुआ, उस जीतने के बाद जब समाजवादी पार्टी के समर्थित या ये कहिए कि उस विचारधारा से जुड़ने वाले नौजवान वो जब जीत गया तो उसके हॉस्टल में आग लगा दी गई। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे वो स्वीकार नहीं कर पाए, हार अपनी स्वीकार नहीं कर पाए और खिसिया करके उन्होंने उसके हॉस्टल में आग लगा दी। सब कुछ जो उसका सामान था, मोटरसाइकिल या जितनी चीजें थी, वो सब की सब जला दी। ये तस्वीरें ही अखबारों की तस्वीरें हैं, उस समय जो अखबार निकले हैं उस समय के पत्रकार साथियों ने तमाम वो तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से उसके कमरे का सब सामान जला दिया, उसकी चारपाई जला दी, उसका सब कुछ सामान बर्बाद कर दिया। और अभी जब कार्यक्रम बिल्कुल करीब आ गया तो जहां पर मंच बना था वहां पर 3 बम चलाए गए, 3 बम चलाए गए और प्रशासन ने और सरकार ने न उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जिन्होंने छात्र संघ के नए अध्यक्ष जीतने के बाद उसके हॉस्टल का जितना कुछ सामान था जला दिया गया, न उनके खिलाफ कार्रवाई की और न ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जिन्होंने बम चलाए थे वहां पर। मैं जानना चाहता हूं इस प्रदेश के सन्यासी योगी मुख्यमंत्री से कि अगर मैं अराजकता फैलाने जा रहा था, हिंसा फैलाने जा रहा था, हम पे बताओ धारा अगर एक भी लगी हो धारा तो बता दो आप, एक कोई धारा लगी हो तो बताएं। अभी तक पूरे पॉलिटिकल कैरियर में बहुत तख्ती की बात करते हैं वो, आज हम उनकी तख्ती दिखाना चाहते हैं कि उनकी तख्ती पर कितनी धाराएं लगी हैं। मैं कहूंगा कि उनकी तख्ती जरूर आए इनके सामने। जो मुख्यमंत्री तख्ती की बात करते हैं उनकी तख्ती देखिए, जो ये कहते हैं कि तख्ती तो ये एक मुख्यमंत्री जी की तख्तियां हैं, देखिए कितनी धाराएं उनके ऊपर, ये दूसरे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं और वो हमसे कह रहे हैं कि हम हिंसा फैलाना चाहते हैं। जो सरकार छात्रों से डर जाए
उस सरकार के पास कुछ बचा नहीं है। उनके भविष्य से खिलवाड़ की इन्होंने, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ किए इन्होंने, इसलिए नहीं चाहते हैं कि कोई जाए उनके बीच में अपनी बात रखे जाकर के। समाजवादी पार्टी को डाउन करो अपने अराजक गतिविधियों से बाहर जाना चाहिए। हमारा कैमरा कहाँ है यार? प्रयागराज में वर्तमान में कुंभ चल रहा है। अभी 10 दिन पहले से अखिलेश यादव जी स्वयं प्रयागराज कुंभ में गए थे, वहां पर दर्शन करके और संगम में, पवित्र संगम में स्नान करके भी आए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने, प्रशासन ने शासन से इस बारे में अवगत किया है कि श्री अखिलेश यादव अगर इलाहाबाद आते हैं तो वहां पर तमाम छात्र गुटों के आपसी वैमनस्य के कारण वहां पर हिंसक झड़पें हो सकती हैं, कानून व्यवस्था के लिए संकट हो सकता है, विश्वविद्यालय में व्यापक आगजनी और तोड़फोड़ हो सकती है। इसलिए उन्हें वहां पर रोकने के लिए उन्होंने सरकार को आग्रह किया था, प्रशासन से आग्रह किया था। और उसी क्रम में चूंकि कुंभ है, प्रतिदिन 25 से 30 लाख श्रद्धालु वहां पर आ रहा है, साथ साथ अब तक सफलतापूर्वक ये सारे कार्यक्रम वहां आयोजित हुए हैं। अपनी अराजक और विध्वंसात्मक गतिविधियों के लिए कुख्यात समाजवादी पार्टी इसी अराजकता को आगे बढ़ाना चाहती है, इसलिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अनुरोध पर सरकार ने ये कदम उठाए हैं कि वे प्रयागराज वहां पर विश्वविद्यालय के या किसी भी इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे जिसके कारण हिंसा भड़क सकती है, इसलिए वहां पर प्रशासन ने उनको रोका। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, इसके अलावा अखिलेश यादव को भी आपने सुना, और किस तरीके से यहां पर एक तरीके से यह देखा जाए कि अखिलेश यादव इस बात को कहते हुए नजर आए कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, इस वजह से उनके इस कार्यक्रम को रोका गया, तो वहीं मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था का हवाला दिया है। लेकिन इसी के साथ कुछ अहम सवाल भी हैं, और अहम सवाल यह है कि क्या यह घटना समाजवादी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन है? दूसरा अहम सवाल यह है कि विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना आखिर अखिलेश यादव क्यों जा रहे थे इलाहाबाद, और सियासी फायदे के लिए शिक्षण संस्थानों का इस्तेमाल कितना जायज है, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो आज मुद्दा में होगी इसी पर चर्चा। कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं एक एक करके आपका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ दिलीप श्रीवास्तव जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिलीप श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा जफर अमीन जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जफर अमीन जी, आपका भी बहुत स्वागत। अजय वर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, नेता कांग्रेस। अजय वर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ ओपी यादव जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, आपका भी ओपी यादव जी बहुत स्वागत। इसके अलावा हमारे साथ फरहत राशिद खान जी हैं, प्रवक्ता पीएसपीएल के, आपका भी बहुत स्वागत फरहत राशिद खान जी। और धर्मेंद्र पांडे जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, धर्मेंद्र पांडे जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरुआत जफर अमीन जी आपसे ही करूंगा, जो अहम सवाल इंडिया न्यूज पर हम लोग उठा रहे हैं, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि जब इजाजत नहीं थी जाने की तो आखिर क्यों जाने की जो कोशिश है वो अखिलेश यादव जी के द्वारा की जा रही थी? आपका पहला कमेंट चाहूंगा मैं। देखिए, ऐसी कोई सूचना नहीं थी, कोई उन्होंने लिखित आदेश नहीं किया, और किसी भी तरह का आदेश करते तो मीडिया में सबसे पहले आ जाता जी। 27 दिसंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बकायदा वहां के प्रोग्राम को कंफर्म किया, वहां के प्रशासन को अवगत कराया, 2 तारीख को भी किया, लेकिन उसका कोई मना नहीं किया प्रशासन ने, ना ही कोई सार्वजनिक किया, वरना आप लोग भी उसको दिखाते कि साहब वहां मना है इनका जाना। आज जब वो जाने लगे तो एयरपोर्ट के अंदर उनको प्लेन पे चढ़ने से रोक दिया गया, तब स्थिति खराब हुई जी। रहा सवाल ये कि एक बड़े हैरत की बात है कि एक व्यक्ति तो ऐसा जिसके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं है, और उनको रोकने का काम उस व्यक्ति ने किया जिसके ऊपर दर्जनों आपराधिक मुकदमे हैं, और उसके बाद जिस तरह से दमनकारी नीति अपनाई जा रही है इलाहाबाद के अंदर, जिस तरह से लड़के सड़क पर लेट गए कि चलिए भाई पुलिस लाठी ना चलाए, और लेटे हुए लड़कों पर जिस तरह से लाठी चलाया, कि हमारे पार्टी के सांसद जिनको अच्छे सांसद होने का बकायदा अवार्ड दिया गया है उनका भी पुलिस ने घायल कर दिया, उनको भी बुरी तरह से चोट उनको लगी,
तो रहा सवाल ये कि जो हालात हैं उत्तर प्रदेश के, आप लोकतंत्र की धज्जी नहीं उड़ा सकते। अगर आप ये चाहते हैं कि डिक्टेटरशिप रहे और हिटलर के शासकीय अवतार बन के आप चलाए, तो लोकतंत्र में ये चलने वाला नहीं है। ठीक है, आपकी बात, जैसा हम एक मिसाल देना चाहते हैं, दिलीप श्रीवास्तव कलकत्ता में जाना था योगी जी को, ठीक है दिलीप श्रीवास्तव जी, योगी जी को कलकत्ता जाना था और इन्होंने कहा कि साहब हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, ये जो है तानाशाही है। अमीन जी मैं आऊंगा, लेकिन अब ये दिखा रहे हैं कि हम उनसे सबसे बड़े तानाशाह हिंदुस्तान के हैं। सबसे बड़े सवाल उठाए उसका जवाब सुन लीजिए, जफर अमीन जी सुनिए, आप दिलीप श्रीवास्तव जी आप जवाब दीजिए। देखिए आयुष जी, लगातार गलत तथ्य प्रस्तुत करना, इन्होंने कहा अगर कोई पत्र गया हो तो बताएं, ये अपने श्री गंगाराम जी से पूछ लें, अगर चाहे तो मैं स्क्रीन पर दिखा सकता हूं। निजी सचिव गंगाराम जी को 11 फरवरी को ही विश्वविद्यालय प्रशासन के कुल सचिव द्वारा पत्र भेजा गया कि किसी भी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि या कोई भी नेता विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होगा। इस संदर्भ में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी को पत्र भेजा गया गंगाराम जी के, इनके वहाँ लोकल मीडिया को भी नहीं बताया। मैं यही तो कह रहा हूँ, आप कोई काम छोटा सा करते हैं तो उसका चर्चा करते हैं, तो आपने क्यों नहीं सार्वजनिक किया उसको? बीच में नहीं बोला, नहीं करना चाहिए, आप अपनी गलती मानिए, धैर्य पूर्वक सुन लीजिए, झूठ फरेब की राजनीति बंद करिए। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है, उसे कायम रहने दीजिए। तो सिर्फ आप करते हैं, स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कि पुलिस वाले किस तरह पीटे जा रहे हैं, आपके नेता आपके कार्यकर्ता किस तरह से अराजकता फैला रहे हैं, कुंभ में अगर सुंदरता के लिए जो गमले लगे हैं सरकारी संपत्ति को तहस नहस क्यों कर रहे हैं? अगर आपको कोई चीज लगती है कि गलत हुआ है, उसके लिए आपके लिए लोकतंत्र में जो हथियार है, धरना दीजिए, प्रदर्शन करिए, इसके अलावा न्यायपालिका जाइए, सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करिए, लेकिन इस तरह की अराजकता मत फैलाइए। और जो बात आप आंदोलन की कर रहे थे, तो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, अगर आप पुराने समाजवादी नेता रहे होंगे या श्री मुलायम सिंह यादव जी के साथ काम किए होंगे, तो जो व्यक्ति लोकतंत्र में धरना देगा, प्रदर्शन करेगा, आंदोलन करेगा, तो उससे विरुद्ध जो सरकार है दमनकारी नीतियों के साथ उसके खिलाफ आंदोलन करती है, उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराती है, उसके खिलाफ जो मुकदमे होते हैं वो राजनीतिक मुकदमे होते हैं, ठीक है, उन राजनीतिक मुकदमों का आप हवाला दे रहे हैं मुख्यमंत्री, ठीक है दिलीप श्रीवास्तव जी पे, ठीक है राजनीतिक नहीं, आगजनी का है, हत्या का है, आपको मालूम नहीं है, आगजनी का है। मुझे पता है पूरी चर्चा में यही सुनने को मिलेगा अजय वर्मा जी, आपका मैं कमेंट चाह रहा हूँ, ठीक है दिलीप जी आप थोड़ा सा शांत हो जाइए, दिलीप जी और जफर अमीन जी आप लोग शांत हो जाइए, आप लोग इस तरीके से करेंगे तो चर्चा नहीं चलेगी। अजय वर्मा जी आपका कमेंट चाह रहा हूँ, आज जो कुछ भी हुआ उसको आप किस प्रकार से, ठीक है दिलीप जी हो गया, दिलीप जी जफर जी मजबूरन आप लोग की आवाज फिर डाउन करनी पड़ेगी, आप लोग चर्चा में बने रहना चाहते हैं तो कृपया करके चर्चा को सुचारू रूप से चलने दीजिए। मैं जो सवाल अपने गेस्ट से पूछ रहा हूँ उनका जवाब देने दीजिए, आप दोनों लोग शांत हो जाएं, ठीक है अजय जी आप किस प्रकार से देखो जफर अमीन जी आप सुन लीजिए, ठीक है अजय जी, देखिए चित्रांश आयुष आयुष जी चित्रांश जी आप सेकंड नेम चित्रांश ठीक, आज मैं सुबह भी देख रहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार में ये क्या हो रहा है, चित्रकूट में दो बच्चों का अपहरण हो जाता है और वहाँ के एसपी झा साहब कहते हैं कि साहब ये तो दूसरे क्षेत्र का मामला है, मानवीय संवेदनाएं खत्म हो गई हैं, बच्चे तो सबके बच्चे हैं, छोटे नर्सरी के बच्चे हैं, वो मेरे हों आपके हों किसी के हों। पुलिस के एक वरिष्ठ अफसर इस तरह के बयान देते हैं कि साहब मैं नहीं जानता कौन मनोज झा साहब है, लेकिन मैंने एक टीवी के एक चैनल पे एक डिबेट में था तो मुझे बड़ा बुरा लगा। अब मैं इलाहाबाद का देख रहा हूँ, अभी मैं ये देख रहा था कि प्रशासन का कोई मैटर था तो एक सिस्टम होता है, पूर्व मुख्यमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है, 12 तारीख को प्रोग्राम है, 27 तारीख को अगर पूर्व मुख्यमंत्री ने आपको पत्र भेज दिया है तो आप उसे 11 तारीख को चिट्ठी भेजेंगे क्या? प्रोटोकॉल ये होता है, मुख्यमंत्री के बहुत प्रोग्राम होते हैं चाहे पूर्व हो या वर्तमान हो, एक प्रोटोकॉल के तहत उस सिस्टम को अडॉप्ट करिए। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की यह घोषित कर्फ्यू वाली सरकार उस सिस्टम को मेंटेन कर रही है, नंबर एक। नंबर दो, अभी आपके चैनल पे मैं देख रहा था, वो गलत था कि एक लड़के ने पुलिस की वर्दी के ऊपर हाथ उठाया,
वो तो गलत था। उससे घोर गलत यह है कि पुलिस के संविधान में यह लिखा हुआ है कि अगर आप लाठी बजाएंगे तो आप पैरों में लाठी या पेट के नीचे लाठी मारेंगे। वो सीधे पुलिस के ऑफिसर और पुलिस के जवान सिर पे लाठी मार रहे थे, बिल्कुल इस तरह से फाड़ने की तैयारी कर रहे थे, और उसका नतीजा धर्मेंद्र यादव के सिर पे भी लाठी लगी हुई है। मतलब अगर आप एक आप गलत है तो उससे बड़ी गलती प्रशासन करेगा। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है इस लोकतंत्र में कि इस लोकतंत्र में ये उत्तर प्रदेश की सरकार ही नहीं, देश की सरकार बिल्कुल इलेक्शन मोड में आ चुकी है। चाहे कुंभ का मामला हो, धरना प्रदर्शन का हो, विश्वविद्यालय का जाने का हो, व्यापारियों का हो, किसानों का हो, महिलाओं का हो, बिजली का हो, घर का हो, नौकरी का हो, कश्मीर का हो, हर मुद्दे को कनेक्ट कर दिया गया है चुनाव से, चुनाव से, चुनाव से। आप सरकार हैं, सरकार के इलेक्शन में जीतने के लिए आप साम दाम दंडभेद सारी नीति अपना रहे हैं। हम अपोजिशन हैं, हम जनता की आवाज को उठाएंगे, उठाते रहेंगे। अगर आप दमनकारी नीति चलाएंगे ये उचित लोकतंत्र में बिल्कुल नहीं है। आप सिस्टम से काम करिए, क्यों कि आप बीजेपी की सरकार के अलावा 130 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री भी हैं। ठीक है अजय यादव जी, आपकी बात का मैं जवाब जरूर लूंगा दिलीप जी से, लेकिन इस बीच में फरहत जी आपके पास भी आना चाहूंगा। फरहत जी आपका भी मैं कमेंट चाह रहा हूं, मैं चाहूंगा कि आप भी बताएं कि आज जिस तरीके से अखिलेश यादव को रोका गया और उसके बाद जो कुछ विरोध प्रदर्शन या जिस तरीके का प्रदर्शन देखने को मिला, आप किस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम को देख पा रहे हैं? देखिए हमारी पार्टी इसकी मजम्मत करती है, इस तरीके से जिस तरीके से योगी जी की सरकार ने कार्य किया है, ये दोहरी नीति क्यों अपनाते हैं। मान लीजिए इनको बंगाल में उस समय रोका गया था उन परिस्थितियों में, तो इनको नहीं जाना चाहिए, ये चोरी छुपे फिर हेलीकॉप्टर से की जगह कार से चले गए। ये दोहरी नीतियां हैं ना, कहीं ना कहीं लोगों की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर दी है। आज भी अधिवक्ताओं ने हजरतगंज चौराहे पे लाखों लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, पूरा जंगल राज है। और ये तो अब निश्चित हो गया है कि ये अब लोकतंत्र नहीं रह गया, अब राजतंत्र है। बिल्कुल ऐसी नीतियों पे काम करा जा रहा है। ये लोकतंत्र की शान हुआ करती थी, मान लीजिए अगर कोई बात है तो उसका अपोजिशन है, अपोजिशन के ये हाल थोड़ी है कि आप डीएम अभद्रता करेंगे मुख्यमंत्री से, पूर्व मुख्यमंत्री से, तो ये कहीं शोभा नहीं देती है। बिल्कुल निश्चित तौर पे ये एक निंदनीय कार्य है, और इनको योगी जी को ये सोचना चाहिए कि किन परिस्थितियों में ये लोग जा रहे हैं, क्या हो रहा है। ऐसी भाई किसी के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री को अगर रोका जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो इस तरीके की घटना तो बिल्कुल होंगी भाई, क्या क्यों नहीं होंगी भाई। उबाल आता है कार्यकर्ता के अंदर, लेकिन हाँ उन लोगों को भी जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे उनको भी थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि भाई जनता का कोई भी नुकसान ना हो, और जनता का के बीच में जो अगर वो मान लीजिए धरना प्रदर्शन कर भी रहे हैं तो उन सारी चीजों को देखते हुए करना चाहिए, कोई भी लॉसेस ना हो। और पुलिस जिस तरीके से बलपूर्वक लाठी चला रही है, सर पे लाठी चलाने का कोई मतलब नहीं, इसका उद्देश्य सिर्फ एक है, हिटलर शाही दिखा रहे हैं। अब ये हिटलर शाही बिल्कुल निश्चित तौर पर जनता समझ चुकी है। ठीक है धर्मेंद्र जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, थोड़ा राजनीति से इतर में आपसे भी समझना चाहूंगा, क्या वाकई में जो आरोप लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से कि लोकतंत्र की हत्या है या फिर डर गई है योगी सरकार, इस पूरे घटनाक्रम को एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आप किस प्रकार से देख पा रहे हैं? देखिए घटना जो हुई है, जो आज की विशेष रूप से जो घटना हुई जिस तरह से इलाहाबाद में हुआ है, कहीं ना कहीं वो जो है समाज के लिए एक चिंता का विषय तो है, लेकिन एक वहाँ के अगर पहलू पर ध्यान दें तो वहाँ के जो अलग अलग छात्र संगठन थे, जैसा मैं आज देख रहा था, तो अलग अलग छात्र संगठन, इलाहाबाद छात्र संघ जो है उसने 7 तारीख को ही उसके महामंत्री ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को जो है लेटर दे दिया था कि हम इसका विरोध करेंगे, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वहाँ के जो उसके छात्र संघ हैं उन्होंने भी विरोध का दिया था। अभी हाल ही में एक रजनीकांत यादव जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र था उसने अपने कमरे में खुदकुशी कर ली, तो एक गम का माहौल भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इस टाइम पर चल रहा है, वहाँ भी संवेदना चल रही थी, तो इस तरीके से वहाँ एक अलग तरह का माहौल है। फिर आप एक चीज़ जो हमें सबको समझना चाहिए, इलाहाबाद में एक ऐसा आयोजन हो जा रहा है जो विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है, और विश्व बिरादरी की मीडिया, भारत की ही नहीं तमाम विदेशी पत्रकार वहाँ आके घूम रहे हैं। अगर छोटी सी कोई गलती हो जाएगी तो वो कोई उत्तर प्रदेश की खबर नहीं रहेगी, वो पूरे विश्व के लिए एक खबर बन जाएगी। मुझे लगता है कि ऐसे टाइम पे सभी राजनीतिक दलों को संयम से रह करके अपने राजनीतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए देश की प्रतिष्ठा को दांव पे नहीं लगाना चाहिए, चाहे वो भाजपा हो या कोई। देखिए लखनऊ में कल राहुल गांधी की रैली हुई है, प्रियंका जी की रैली हुई है, बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ है, वो तो बढ़िया से निपटा है। लेकिन अगर इलाहाबाद में अगर वही चीज कहें जहां पे बहुत ज्यादा भारी संख्या में लोग रोज आ जा रहे हैं, कई किलोमीटर लोग पैदल चल रहे हैं, वहां पे अगर कोई गलत गतिविधि हो गई तो मुझे लगता है वो चिंता का विषय बन जाएगा। सरकार को भी इससे पहले, क्योंकि सूचनाएं लेट हुई हैं,
ये सरकार का फेलुअर है। लेकिन इसमें जो है समाजवादी को भी ये संयम बरतना चाहिए कि अभी इस टाइम पे देश की छवि जो है वो सर्वोपरि होनी चाहिए, राजनीतिक छवि तो कभी भी चमक जाए। ठीक है, ओपी यादव जी, एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आप इस पूरे घटनाक्रम को किस प्रकार से देख पा रहे हैं? क्या शक्ति प्रदर्शन है या लोकतंत्र की हत्या है? पूरा राजनीतिक घटनाक्रम के लिहाज से आप इसको कैसे देखेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में राजनीतिक दल इलेक्शन मोड में है, तो कहीं ना कहीं नेतार तो राजनीतिक होता ही। कोई भी राजनीतिक दल जो बैठ कर रहा उसका भी नेतार है और जो आंदोलन कर रहा उसका भी नेतार है। और रही बात इलाहाबाद में जो एक धार्मिक आयोजन चल रहा है, इलाहाबाद पूरब का हॉटस्पॉट के नाम से जाना जाता है और इलाहाबाद की अपनी छवि है। और आपने देखा कि जिस तरह पुलिस की दमनकारी गतिविधि वहां देखने को आई, धर्मेंद्र यादव जी बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड उनको मिल चुका है और उसी इलाहाबाद इंडस्ट्री की वो प्रोडक्ट रहे। जिस तरह पुलिस ने दमनकारी नीति अपनाई है, भर्त्सना की बात की जा सकती है उसमें। और दूसरी रही बात इलेक्शन मोड में उत्तर प्रदेश है और पूरा देश है, तो कहीं ना कहीं नेतार्थ राजनीतिक है। तो आपको ये समझ के चलना पड़ेगा कि ऐसा कोई मैसेज ना जाए जो विश्व पटल पर या विश्व मीडिया पटल पर देश का, कुंभ का, उत्तर प्रदेश का, 24 करोड़ जनता का ऐसा मैसेज ना जाए कि जहां से हमारी इमेज को बट्टा लगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि जो सरकारी मशीनरी है, जैसे प्रोटोकॉल विभाग है सरकार का, उसको समय रहते बताना चाहिए। एक्स चीफ मिनिस्टर का एक प्रोटोकॉल होता है, वो कब जा रहे हैं कब आ रहे हैं उनको पहले रिमाइंडर देना चाहिए कि ये स्थितियां हैं, लॉ एंड ऑर्डर की ये स्थिति है, आपका ये दौरा रद्द किया जा सकता है, रद्द किया जा रहा है, ये अमेंडमेंट करना चाहिए था और समय रहते करना चाहिए था। आप एक दिन पहले लेटर भेज रहे हैं उसका क्या मतलब होता है? तो कहीं ना कहीं जो डिग्निटी है, जो सियासत की एक डिग्निटी है और पॉलिटिकल पर्सनैलिटी की जो डिग्निटी है, उसको सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए। जी ठीक है, दिलीप श्रीवास्तव जी, ये जो बात उठाई ओपी यादव जी ने, इसी सवाल पे मैं भी आने वाला था और ये सारे हमारे जितने मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं सबने कमोवेश इस बात का जिक्र जरूर किया कि क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक प्रोटोकॉल होता है पहले से ही आप लोगों के पास में, इस चीज की जो एक विस्तृत इनका जो पूरा दौरा था उसको लेकर के रिपोर्ट्स आपको भेजी गई थी। जब अखिलेश यादव पहुंचते हैं एयरपोर्ट पर उसके बाद उनको रोका जाता है, इस चीज में कहीं ना कहीं तो फेलियर हुआ है। फिर इसके ऊपर जो सवाल समाजवादी पार्टी उठा रही है तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो उसको फिर जायज ही माना जाएगा। कहां पर चूक मान पा रहे हैं और कम से कम इस चीज को स्वीकार करना चाहिए आप लोगों को कि इस सारी चीजों में कहीं ना कहीं पूरे घटनाक्रम को सियासी रंग देने की कोशिश जरूर की जा रही है। आयुष जी, जी पहली बात तो सूचना इनको दे दी गई थी, इनके पास सूचना पहुंच चुकी थी, लेकिन चूंकि राजनीतिक घटनाक्रम, राजनीतिक नाट्यक्रम करते हुए सुर्खियां बटोरना था, ये इनका स्टैंड था। अगर 10 दिन पूर्व ये प्रयागराज गए हैं, डुबकी लगा के आए थे और वहां पर जो स्थिति है जिसका विश्लेषण धर्मेंद्र पांडे जी ने किया और आप राजनीतिक विशेषज्ञ ओपी यादव जी ने किया, इन बातों को मैं नहीं रख रहा कि विश्वविद्यालय में क्या गतिविधियां चल रही थी। जब विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा आपको पहले ही अवगत करा दिया गया था तो आपको नहीं जाना चाहिए। लेकिन संगठन ने इतराज किया था, ये भी बता दीजिए, जिस प्रकार को जो सुर्खियां बटोरने के लिए जो आपको नाट्यक्रम चलाना था वो नाट्यक्रम आपने चलाया, इसमें नुकसान किसका हुआ? सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ। प्रयागराज में जो सौंदर्यीकरण करके जो गमले लगे थे उसको तोड़ने से आपको क्या मिला? वो तो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। ये आपका वही विश्लेषण है जो पहली समाजवादी पार्टी करती थी कि खुली दुकान हमारी। अबे ये भी बता दीजिए, आप पति किसने किया था? जी हमारे ये भी समझ में आता आपके संगठन ने पति किया था कि भगवान एक एक करके। लेकिन दिलीप जी विश्वविद्यालय में, दिलीप जी लेकिन सवाल, अरे भाई आपने दिलीप जी इतनी देर से गमलों का जिक्र करा, नौजवान लोगों के सर का जिक्र करते थे, दिलीप जी सवाल से क्या बात कर रहे हैं? गमलों का विकार खूब कर रहे हैं। दिलीप जी आप सुनिए, नहीं गठबंधन हुआ नहीं हुआ, लेकिन खूबसूरती थे लोकतंत्र होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आपने मेहमान से कह रहा हूँ कि सवाल कम से कम जो मैं पूछ रहा हूँ, गमलों का कितना नाम ले रहे हैं आप लोग? सुनिए दिलीप जी आप लोगों का नाम ले रहे, दिलीप जी आप लोग सुनो, मजा नहीं आना डिबेट में जनता के। देखिए दिलीप जी सुनिए पहले, दिलीप जी आप सुन लीजिए पहले, मैंने आपसे सवाल पूछा, दिलीप जी मैंने आपसे सवाल पूछा, अरे जफर आमीन जी आपके ही मुद्दे को लेकर के बैठे, अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो सवाल नहीं उठ पाएंगे। दिलीप जी से मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे पूछने दीजिए। दिलीप जी सवाल मैंने आपसे ये पूछा कि अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री का दौरा था और आपको पहले से इस दौरे के लिए जो परमिशन थी वो मांगी जा रही थी, आपने कब मना किया, कब इनकार किया, उसकी डेट बताएंगे आप? ठीक है दिलीप जी, दिलीप जी दिलीप जी आपके
मुख्यमंत्री कर रहे थे गोरखपुर में। जफर जी फिर इस तरीके से मुझे फेडर डाउन करवाने पड़ेंगे, कोई फायदा नहीं होगा इस डिबेट का। आयुष जी मैं आपके सवाल ही नहीं सुन रहे हैं आप। यार इंस्पेक्टर को उसकी जान मारी जा रही है और आपके मुख्यमंत्री जो है लाइफ स्टाइल का प्रोग्राम कर रहे हैं। दिलीप जी मैंने जो सवाल पूछा आप उसका जवाब दीजिए। दिलीप जी मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। हल्ला बोला था जी। दिलीप जी मैंने आपसे पूछा कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री का कार्यक्रम पहले से तय था तो आप लोगों ने कब मना किया और कब इसके इसको लेकर के आप लोगों ने कोई पत्र कोई लेटर जारी किया कि आप साहब ना आए यहाँ पर आपको अनुमति नहीं है, ये कब कहा गया? बिल्कुल लेटर जारी हुआ। कब? बिल्कुल समय बताएंगे आप, समय बताएंगे वो लेटर आप ही कह रहे हैं कल का जारी किया, आप ही कह रहे हैं, आप ही कह रहे हैं ना। और जो पत्र भेजा जाता है मुख्य विपक्षी दल है, पूर्व मुख्यमंत्री है, आप ही कह रहे कल हमने भेजा था, मेल होती है, इसके अलावा टेलीफोन के द्वारा अब भेजा था नहीं भेजा था, ये तो आपके आपकी सरकार है, आप दिखा रहे हैं, आपने मीडिया को क्यों नहीं आउट किया? ठीक है हमने रोक लिया है, नहीं मिला है, नहीं मिला है। ठीक है दिलीप जी और जफर जी, दिलीप जी और जफर जी मैं माफी चाह रहा हूँ क्योंकि आप लोग ना बात सुन रहे हैं ना उसका जवाब दे रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों के पास तब तक नहीं आऊंगा जब तक आप लोग एक एक करके सवाल का जवाब नहीं देंगे। ठीक है, ठीक है धर्मेंद्र पांडे जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आऊंगा ही नहीं आप लोगों के पास, आप लोग या तो सवाल सवाल सुने एक एक करके जवाब दें, नहीं तो मुझे मजबूरन आप लोगों से सवाल नहीं लेने होंगे क्योंकि इस डिबेट का कोई मतलब नहीं है। धर्मेंद्र जी फेडर डाउन कर दें, इनके फेडर डाउन कर दें, मुझे सुनना नहीं है। आयुष जी एक राष्ट्रीय चैनल पे बैठ करके और कम से कम उस तरीके की बात करें, देखिए जो होना था सो हो गया है, राजनीति फील्ड में सपा ने भी कर ली भाजपा ने भी कर ली, लेकिन आज जो जब क्या संदेश क्या देना चाह रहे हैं, जिस प्रयागराज को जिस इलाहाबाद में करोड़ों करोड़ों लोग जा रहे हैं, पूरी दुनिया जहाँ पर नजरें टिकाए खड़ी है, उस प्रयागराज से उस जो देश की गंगा जमुनी तहजीब की अगर मिसाल कहीं से जाती है तो उस तीर्थ नगरी संगम प्रयागराज ही है जी। अगर हमारे देश की विरासत में गंगा जमुनी तहजीब कहीं से निकल के आई है तो उत्तर प्रदेश की वही धरती है प्रयागराज, जहां से गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल दी जाती है जिसपे हर भारतीय को गर्व होता है। लेकिन क्या उस प्रयागराज को राजनीतिक रस्साकसी में और राजनीतिक हित के लिए इस हद तक लेके जाएंगे, ये एक चिंता का विषय जो उठ के निकल आ रहा है राजनीतिक स्वार्थ के लिए। और कम से कम आप ये इंडिया न्यूज जैसे बड़े राष्ट्रीय चैनल पे हमारे पैनल के बैठे साथियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि करोड़ों लोग इसको भी देखते हैं और उस टाइम पे भी ये जाता है, अगर हम सामान्य पूर्वक नहीं देखेंगे तो उसका भी संदेश गलत जाता है आपकी पार्टी और आपके लिए वो हितकर नहीं होगा। ठीक है अजय वर्मा जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं, खासतौर से कम से कम जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आ रही है तो अगर मान लिया मना भी किया गया एट ए टाइम भी मना किया गया, लेकिन जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है या जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्या आप उसको जायज ठहराएंगे? अजय जी देखिए लोकतंत्र में ये समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के चीफ, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के सांसद उसका बेहतर जवाब तो ये बता पाएंगे कि ये इनके लिए कितना जायज है और कितना नाजायज है। लेकिन जो वर्तमान हालात और परिस्थितियों को देखने के बाद एक ये लगता है कि सांसद एक चुना हुआ प्रतिनिधि होता है और सांसद जो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है वो सांसद किसी बलबे में, किसी हत्या में, किसी मुकदमे में, किसी उसमें वहां नहीं गया, शांतिपूर्ण तरह से वो खुद कह रहे हैं अगर कुछ इस तरह से होता है तो। और उसके बाद आदरणीय योगी साहब, बड़े हम तो उत्तर प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं, उनकी भाषा शैली आप देखिए कि आरोप किसी भी तरह से लगा सकते हैं योगी साहब के ऊपर, जो वो मुकदमे दर्ज हैं वो हत्या बलवा आगजनी इस तरह के कई मुकदमे दर्ज हैं, वो कोई पॉलिटिकल नहीं है, पूरा देश जानता है। जब आप सारी चीजें देख रहे हैं कर रहे हैं तो ये ठीक है, प्रयागराज की इज्जत के लिए, देश की इज्जत के लिए आपको सारी चीजें करनी पड़ेंगी। लेकिन सबसे दिलीप जी कोई फायदा नहीं आपके बोलने का, आपकी आवाज आ नहीं रही है, आप बोलने दीजिए। सबसे ज्यादा दायित्व तो प्रदेश सरकार का इसलिए बनता है कि देश में भारतीय जनता पार्टी की और प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ बंपर बहुमत की बीजेपी की सरकार है और 4200 करोड़ रुपए जनता का खून पसीना का लगाकर इसको चमकाने का प्रयास जो किया जा रहा है उसको देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार को यह सोचना चाहिए। अब कल अमित शाह जी फिर दोबारा जा रहे हैं वहां, फिर तिवारी जा रहे हैं वहां, ये लोग जाते हैं तो राजनीति नहीं होती है और विपक्ष का कोई नेता अगर वहां जाएगा तो उसमें राजनीति नजर आएगी, आखिर ये डबल नीति। ठीक है आप दिलीप जी से मैं जवाब लेता हूं, दिलीप जी अगर आप धैर्य पूर्वक जवाब दें और उसको कोई डिस्टर्ब ना करे तो मैं चाहूंगा दिलीप जी आप इसका जवाब दे दें। आप
आयुष जी 10 दिन पूर्व अखिलेश जी गए थे प्रयागराज, फिर आप वही रिपीट कर रहे हैं मेरे भाई। उन्होंने अब राहुल जी जाए तो अच्छा रहेगा, सोनिया जी जाए और अच्छा रहेगा। और जिस प्रकार से वहां पे एक राजनीतिक नाट्यक्रम प्रस्तुत किया गया सुर्खियां बटोरने के लिए, ये एक नाट्यक्रम से कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं है। अगर इनकी नीयत सही होती तो उनको उन पत्रों का हवाला देना चाहिए था, जो पत्र आपके पास प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल के तहत सारी चीजें नियम होते हैं, उस बात को भी इनको बताना चाहिए। वो जो पत्र छिपा रहे हैं उसको भी इन्हें दिखाना चाहिए कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पत्र भेजा गया जिसमें इन्हें मना किया आपको गया, तो गया आपको भेजा है विश्वविद्यालय प्रशासन ने। आप कह रहे हैं कि आपको कहा है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने आपत्ति किया है, ये मुख्यमंत्री जी का बयान है। आप झूठ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का बयान है, काम कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन जो है वो तैयार नहीं था कि बवाल हो जाएगा, अनुमति नहीं दी गई प्रशासन को बताया। आपको लेटर, लेकिन वो लेटर कब जारी किया गया और आप लोग तक नहीं पहुंचा, ये सवाल है। यही सवाल मैं जवाब दिया है आयुष जी, उसको वो लेटर चल भी रहा है, वो स्क्रीन पर हमारे लेटर चल रहा है, उसमें भी नहीं दी जाएंगे। देख लीजिए वो पत्र सामने स्क्रीन पर दिखा, हम तो कह रहे हैं वो उसी पत्र की बात, स्क्रीन पे वो पत्र चल रहा है। अरे ये उसकी तार नहीं है, ये पहले नहीं हुआ, आज आउट कर रहे हैं, आज आउट कर रहे हैं। ठीक है फरहत खान जी, फरहत खान जी मुस्कुरा रहे थे, फरहत खान जी आप मुस्कुरा के, मैं चाहूंगा कि आप जवाब दें, उसके बाद मैं ओपी यादव जी के पास भी जाऊंगा। फरहत खान जी, बीजेपी प्रवक्ता साहब कह रहे थे नौटंकी, नौटंकी तो आप कर रहे हैं भाई, अरे आप नौटंकी, अरे आप अब आप बोलिए, मैं नहीं बोलूंगा। दिलीप जी ऐसा मत करिए, कम से कम चर्चा को चलने दीजिए। दिलीप जी आप बात तो सुनिए, डिरेल कर रहे हैं डिबेट को आप लोग, बोलने दीजिए नहीं। दिलीप जी आप बात सुनिए ना, जवाब सुन लीजिए, फिर आप उसको काउंटर करिए, मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं। तरीके से कुंभ का इन्होंने पूरा जी, आप जवाब झूठ झूठ बोल करके चलने वाले लोग कहीं पूरी 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 कैबिनेट वहां बुलाते हैं, पूरी तैयारियां वहां करते हैं, नौटंकी जब ये जाते हैं तो कुछ नहीं होता है क्योंकि भैया मौत से रहते हैं। और दूसरा आदमी अगर नहा लेता है तो जनेहू नहीं दिखा, ये ऐसा नहीं हुआ, ये मंदिर नहीं गए, ऐसा ये सिर्फ ढोंग करने का काम इस आज कर रहे हैं। ढोंग के अलावा आज तक ये देखिए ये क्या बोलते हैं इनको, यही चलिए ठीक है मुझे समझ आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है हकों के आधार पर चलेंगे, आप हमको काउंटर नहीं कर पा रहे। ओपी यादव जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, ओपी यादव जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, बहस को आप देख रहे हैं किस तरीके से और क्या कुछ समझा जाए। वाकई में क्या ये माना जाए कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं या जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम चला है, वाकई में इसको या तो हम समाजवादी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन समझ लें या फिर इसको हम बदले की राजनीति के तौर पे भी देख लें, क्योंकि 2014 में भी इसी तरीके से योगी आदित्यनाथ को रोका गया था कार्यक्रम में जाने के लिए। कैसे देखते हैं निश्चित तौर पर निंदनीय है क्योंकि अराजकता को स्थान नहीं मिल सकता। और जहां तक अब मान के चलिए कि 3-4 मार्च में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाए तो कहीं ना कहीं सियासी निहितार्थ है। और जो अभी धर्मेंद्र पांडे जी ने कही, मैं उस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक करता हूं कि कुंभ गंगा जमनी तहजीब का प्रतीक है, तो हमें कोई ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जिससे विश्व पटल पे कहीं ऐसा मैसेज जाए कि गंगा जमनी तहजीब के प्रतीक कुंभ में क्या हो रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है जो सरकारी मशीनरी का फेल्योर है, अगर इसी तरह लगातार होता रहेगा, देश के सबसे बड़े राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तो प्रोटोकॉल के जो दायरे में आते हैं, और जिस तरह पुलिस ने लाठी बांधी है वहां पर, बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड मिल चुका था, धर्मेंद्र यादव जी पिछले 15 साल से देश के उच्च सदन में है, तो जिस तरह की जो घटना है। और एक बड़ी चीज मैं कहूंगा कि कैबिनेट की बैठक कुंभ में होती है, और दूसरा जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार के आने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रेसिडेंट का चुनाव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने जीता, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक निहितार्थ है। इलेक्शन मोड में उत्तर प्रदेश है और देश है और सह और मात का जो खेल जारी है, तो कहीं ना कहीं राजनीति तो तमाशी ही जाएगी, राजनीतिक बात अपनी जगह है, लेकिन जो वातावरण को दूषित करने की बात है उस पर कहीं ना कहीं एक्स प्रश्न जरूर है। अगर इसी तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी तो लोहिया की जो अवधारणा थी कहीं ना कहीं उस पर टूट आ रही, क्योंकि छात्र नौजवान जो चौखंबा राज की बात कही गई, कहीं ना कहीं लोकतंत्र के बुनियादी स्तंभ पर सवाल जरूर उठ रहे हैं।
ठीक है धर्मेंद्र जी, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं ओपी यादव जी की बात से, और एक सवाल मेरा आपसे भी है क्योंकि इसी तरीके का घटनाक्रम 2014 में भी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस समय उनको वहां पर जाने से रोका गया था, तो क्या इसको बदले की राजनीति के तौर पर भी आप देख पा रहे हैं? देखिए उत्तर प्रदेश की अगर आप दो दशकों की राजनीति देखेंगे तो दो दशकों की राजनीति में जो है आप ये देखेंगे एक जब मायावती जी की सरकार थी तब अखिलेश और शिवपाल जी दोनों जो है सदन के सामने जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, और तब भी पुलिस वही पुलिस, देखिए पुलिस नहीं बदली है, सत्ता बदलती है, और जब सत्ता बदलती मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी तो अखिलेश और शिवपाल अखिलेश जी का वहाँ भी सर फूट गया था वहाँ विधानसभा के सामने, और वही 2014 में जब आप बात कर रहे हैं जब अखिलेश जी थे तब उस टाइम पे भी तमाम योगी आदित्यनाथ या बहुत सारे नेता जो है आप वो भी दिन याद करिए कि जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे तब यही योगी आदित्यनाथ देश के सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट में रोए थे कि मैं उत्तर प्रदेश नहीं जा पा रहा हूं, मुझे मार देंगे, मेरी सुपारी दे देंगे, तो वो कहीं ना कहीं एक कसर तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ के मन में वो भी भरी रहती है जो अभी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो एक संत के रूप में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी पे एतराज करके रोया था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि समाजवादी से एक जो पुरानी जो उनकी खुन्नस है वो भी कहीं ना कहीं कभी कई बार झलकती है जिस तरीके से अभी आज वो बोल रहे थे, क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं और देश के सबसे बड़े सूबे के को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री के बाद इस देश में किसी मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा सम्मान होता है तो निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश का होता है, और आप इस तरह के कह रहे हैं कि ये अराजक लोग हैं, गुंडा, या पूर्व मुख्यमंत्री को अगर गुंडा शब्द या उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गुंडा बोलेंगे मुझे लगता है ये भी लोकतंत्र में जायज नहीं है। लेकिन इलाहाबाद में जो कार्यक्रम आज हुआ जिस तरीके से तोड़फोड़ हुई वो भी किसी हद तक जायज नहीं है, उसके लिए ठीक है दोनों सवाल आपने बिल्कुल दोनों सवाल उठाए मैं एक एक करके। दिलीप जी पहले आप जवाब दे फिर मैं जफर अमीन जी आपके पास आ रहा हूं। बीच में आयुष जी, जिन लोगों ने अराजकता फैलाई, जिन लोगों ने पुलिस को मारा, जिन लोगों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जैसा कि टीवी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है एक साक्ष्य के रूप में, उसे क्या कहा जाएगा? क्या अव्यवस्था फैलाने के लिए जब आपको पहले से अनुमति नहीं दी गई, क्या अव्यवस्था फैलाने के लिए आपको अनुमति दी जाए कि वहां पे जाके कुंभ पे अराजकता और प्रयागराज में अराजकता फैले जहां लाखों लोग करोड़ों लोग पहले से हैं, जो लोग जा रहे हैं, आवाजाही चल रही है, तो क्या वहां अराजकता हिंसा करने के लिए आपको अनुमति दी जाए? ये एक बड़ा प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर तो इन्हें स्वयं अखिलेश जी को देना चाहिए। जी धर्मेंद्र जी, आप लोग कह रहे हैं कि मेरे ऊपर मेरी छवि क्लीन स्वीप है, लेकिन जो अराजकता जो लोग फैला रहे हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें गुंडा कहा जाएगा? दिलीप जी सुन लिया करिए, आप बीच में सुना भी करिए। धर्मेंद्र जी ने जो सवाल उठाया ठीक है, आपकी बात सही है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है और इसलिए आपने अखिलेश यादव को जाने नहीं दिया, लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस बात को कहा या पूर्व मुख्यमंत्री के लिए जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया क्या उसको आप जायज ठहराएंगे? ये सवाल भी धर्मेंद्र प्रधान जी ने उठाया, किस तरीके से उसको देखेंगे? धर्मेंद्र पांडे जी, माफ कीजिए, उन्होंने आयुष जी उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के संदर्भ में कोई बात नहीं कही। अगर प्रयागराज 10 दिन पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी जाते हैं, बात को झूठ कह रहे हैं, पूर्व वो जाते हैं कि नहीं जाते हैं, उन्हें रोका गया कि नहीं रोका गया, इसका भी उत्तर देना चाहिए। ठीक है, अखिलेश जी वहां पे जाते हैं, उन्हें नहीं रोका गया, लेकिन जो लोग अराजकता फैला रहे हैं, जिन्होंने एक समाचार पत्र के कार्यालय पे हल्ला बोल संस्कृति के तहत हल्ला बोला था, जिनकी मुक्तियां रहती थी खुली दुकान हमारी, उनको क्या कहा जाएगा? अरे रोका तो आपको भी गया, आप तो चोरी छुपे गए, क्या कहा जाएगा? रोका तो आपको भी गया था, आप चोरी छुपे गए नहीं गए कानून तोड़के, जो खुले आप भी तो सोचिए, जिनके शासन में जवाहर पार्क, मुझे फाइनल कमेंट चाहिए एक एक क्योंकि अब दो साल में कांड हो गया है, दिलीप जी लड़कियां स्कूल से लौट रही हैं, जिंदा जला दी जा रही है, दिलीप जी आपको समय दे दिया, दफर जी जिंदा किसान जला दिया जा रहा है, दफर जी आप सवाल सुन लीजिए, और आप बात कर लीजिए, दिलीप जी आप आपको समय दे दिया, दफर जी अब आप सवाल सुनिए, दफर जी ठीक है दिलीप जी अब शांत हो जाइए, जफर जी सवाल ये भी है क्योंकि जो बात धर्मेंद्र जी ने उठाई गई सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है? अरे सर सवाल सुनिए ना, आप लोग सवाल सुनते नहीं अपनी बात यहाँ पर, सर ये राजनीतिक मंच नहीं है, आप लोग इसको समझे, आप भाषण मत दीजिए, जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए, जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए, ठीक है जफर जी? ठीक है जफर जी, जफर जी आप सवाल सुनिए, आप साल 2007 और साल 2008 का जवाब आप मत दीजिए, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ जफर जी आप सुनिए, नहीं तो आपकी आवाज में क्यों डाउन करवाऊंगा, आपकी आवाज में क्यों डाउन करवाऊंगा, ठीक है?
ठीक है, फाइनल कमेंट नहीं देने हैं तो मैं आवाज डाउन करवा दूंगा। जफर जी सवाल मेरा आपसे यह है, आखिरी फाइनल सवाल, फाइनल कमेंट दीजिए। आप मुझे ये बताइए कि ठीक है रोका गया आपको जफर जी, ठीक है आपको रोका गया, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि क्या जिस तरीके से प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, जिस तरीके से गमले तोड़ रहे हैं, जिस तरीके से आगजनी की जा रही है, क्या इसको भी जायज ठहराएंगे आप लोकतंत्र के अंदर? जफर जी अंतिम सवाल जी। नहीं देखिए आप, माननीय अखिलेश यादव साहब ने लखनऊ में प्रदर्शन हो रहा था, सबको रोका बुलवाया और कहा कि महामहिम राज्यपाल जी से कल जाके पार्टी के नेता मिलेंगे। आप देखिए ठीक है, प्रयागराज में जो हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार, जहां गमले तोड़े गए? चलाया उन्होंने कभी कहा हो किसी को ठोक दो, किसी को मार दो, किसी को निपटा दो, हम ऐसा कर देंगे, अवकाश बता देंगे, आज तक बता दीजिए किसी तरह का बयान दिया उन्होंने? ठीक है दंगा कराते थे उत्तर प्रदेश, ठीक है, लेकिन उन्होंने उनकी सभ्यता पर, उनकी सभ्यता से नसीहत लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। देखिए नौकरशाही पे लगाम लगानी चाहिए, जिस तरीके से नौकरशाही काम कर रही है, योगी जी के शासनकाल में नौकरशाही टोटल फ्लॉइड है, फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है, जिसकी वजह से ये सब चीजें रोड पे आ रही है। और निश्चित तौर पे वो एक मुख्यमंत्री है, मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस पे वो काम करें, हवा वाली बातें करना बंद कर दें। ठीक है, हवाबाजी वाली बातें नहीं। अजय जी आपका भी फाइनल कमेंट। आयुष जी मैं आपको बताऊं कि सरकार का दायित्व 80% होता है, 80%, और विपक्ष का दायित्व 20% होता है। सरकार को पूरे इलेक्शन मोड से हट के जनता का नुमाइंदगी, जनता की समस्या, जनता की चीज़ों का ध्यान पहले रखना चाहिए प्रायोरिटी पर। चुनाव तो आएंगे चले जाएंगे, बाद में रखना चाहिए, 22 तक तो खतरा ही नहीं है उत्तर प्रदेश की सरकार को। योगी साहब के जो अफसर हैं और योगी साहब का जो सिस्टम है, जो उनकी वाणी है, हम उसको ठीक नहीं समझते और उनकी हम निंदा। ठीक है, ओपी यादव जी, ओपी यादव जी आपका फाइनल कमेंट। देखिए कल लखनऊ में कांग्रेस ने मेगा शो किया, कहीं से कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं उत्पन्न। एक स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है सब विपक्ष की मर्यादा दोनों पक्षों ने तोड़ी है, तो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत आंदोलन होने चाहिए और सरकार की जो जिम्मेदारी है, जो मशीनरी के लोग है, खासकर प्रोटोकॉल के लोग है, उनको पूर्व मुख्यमंत्री का कद काठी क्या होता है और पाकिस्तान के बराबर की संख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश की हैसियत है, उसके पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री दोनों का राजनीतिक आचरण भी अपने देश की, अपने प्रदेश की जनता को बताने के लिए काफी है कि सियासी तौर पर कितने गंभीर हैं, इसका भी आचरण उनको प्रदर्शित करना पड़ेगा, उनके कार्यकर्ताओं को भी। और दूसरा 24 आवर्स आप अगर इलेक्शन मोड में है तो जनता का काम कब करेंगे, ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। ठीक है, धर्मेंद्र जी आपका भी फाइनल कमेंट में चाह रहा हूं। देखिए जो भी घटनाक्रम हुई है वो तो कहीं ना कहीं दोनों पक्षों की तरफ से जो है जिस तरह से हुआ है उसकी तो निंदा करनी चाहिए, लेकिन एक चीज़ ये सत्य है कि इलेक्शन मोड में पूरे देश को समय से अभी, क्योंकि 60 दिन अभी चुनाव आयोग ने भी डिक्लेयर नहीं किया है कि कौन सी डेट है, तो राज्य सरकार को तो ये बखूबी, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन आपने कर रखा है, अर्धकुंभ को आपने पूर्ण कुंभ की मान्यता दे करके और उसको आपने 4,200 करोड़ रुपया लगाया है, देश की प्रतिष्ठा निश्चित तौर से देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है, हर भारतीय को आयोजन पे जो है चाहे जैसे भी हो लेकिन अपने देश की इज्जत पे गर्व होता है उसका है, लेकिन ये जरूरी है कि प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था जो है वो मुकम्मल होनी चाहिए। अगर अखिलेश यादव के टाइम पे जिसको कहते थे कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है या मायावती के, अगर वही कार्य आप भी करेंगे तो एक दूसरे को अगर नीचा दिखाने का ही काम करेंगे तो जनता वो भी देख रही, मुझे लगता है 2019 के चुनाव में जो जिस लायक होगा देश का जनता और खास तौर से उत्तर प्रदेश के लोग पूर्ण बहुमत की सरकार चुनते हैं, ये आप देखेंगे तो 3-2 दशकों में दिखाई पड़ रहा है, वहां भी फिर से यही संदेश आएगा और जो गलत करेगा मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के लोग उसको सबक जरूर सिखाएंगे। ठीक है, तो जो गलत करेगा उत्तर प्रदेश की जनता उसको सबक जरूर सिखाएगी। आपकी इसी बात के साथ मैं बहुत अपने सारे मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, चर्चा का हिस्सा बने, लेकिन अहम सवाल अभी भी ये बना हुआ है कि आखिर जो बात आज या जो प्रकरण आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला, क्या उसको सियासत से जोड़कर देखा जाए या वाकई में ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी? ये एक अहम सवाल अभी भी बरकरार है। आज मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।